नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये आने वाला जो साल है 2023 से ज्यादा अच्छा हो। भगवान आपको शक्ति दे, विचार दे अच्छा, जिससे आप सही और गलत में निर्णय ले सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। भगवान आपको स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे और ग्रोथ दे, और हर आने वाला दिन 2024 का पिछले दिन से ज्यादा बेहतर और नई अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो चलिए, इस विशेष के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो 2024, तो अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो इसमें 2024 है, राइट? तो लास्ट का जो दो डिजिट है 24, इसको अगर टोटल करते हैं तो 6 आता है, और अगर 2024 को अगर टोटल करते हैं तो ये 8 आता है। तो इसमें से 6 की एनर्जी भी होगी और 8 की एनर्जी भी होगी। कहने का मतलब है 2024 में ये दो नंबर्स की एनर्जी जो है प्रोमिनेंट होगी। 8 आपको पता है अथॉरिटी, पावर, रिकॉग्निशन, दबदबा जिसको कहते हैं। तो पॉलिटिकल अप्रोच इस साल बहुत ज्यादा रहेगा। तो इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आप इंडिया में पर्टिकुलरली तो आप ये देख सकते हैं, और यूएस में भी इलेक्शन होंगे तो ये भी जो बड़ा डेमोक्रेसी है वहां पे, तो ये चीज प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अगर देखें तो 6 नंबर जो है, 6 बेसिकली ग्लैमर इंडस्ट्री को बताता है, मीडिया और जो थोड़ा सा पब्लिक में जो चमकता है, ठीक है, उस चीज को। तो फिल्म इंडस्ट्री हो सकते हैं, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री का चर्चा हो और या उससे रिलेटेड डिस्कशन हो, तो ये दो चीज तो कॉमन जो है ये चीज दिखेगी। 2024 में 6 और 8 की एनर्जी, 6 में कफा ज्यादा पाया जाता है, 8 में वाता ज्यादा पाया जाता है। तो कफा और वाता से रिलेटेड जो डिजीज है वो इस साल प्रोमिनेंट होंगे। अगर आप एक लाइफ आदमी की कॉम्बिनेशन है तो इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली इस चीज को इनहांस करेगा। तो कफा का मतलब है जो ब्रीदिंग से रिलेटेड कंजेशन जो होता है, कोल्ड कफ जो होता है वो चीज, और जोड़ों का दर्द ये, और वाता जो है जो आप इंटेक करते हैं, ब्रीदिंग या जो सांस के थ्रू लेते हैं या खाना खाते हैं, और जो बॉडी से फूड जो बॉडी से रिलीज करते हैं, तो जैसे डाइजेशन सिस्टम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर टॉयलेट वाला जो पार्ट है ये, तो ये दोनों पर्टिकुलरली जोड़ का दर्द, डाइजेशन इश्यूज और ब्रीदिंग इश्यूज, ये दो तीन जो वाता और कफा के जो एरिया है जो इम्पैक्ट करता है, ये इस चीज को इनहांस करेगा। तो इस साल में ये कॉमन चीज है, जो कि डिपेंडिंग ऑन आपके लाइफ पाथ नंबर के अनुसार, अगर इसमें ये कोई भी इश्यूज आपके साथ है तो उस चीज को ये इनहांस ही करेगा। 6 जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शन को बताता है, और यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड वाला एरिया को ज्यादा बताता है, और अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है नंबर 6, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को भी डिनोट करता है नंबर 6। और 8 जो है वो लेग को बताता है, पैर के पार्ट को, जोड़ों का दर्द और घुटना, इस चीज को, नीज को पर्टिकुलरली बताता है। और जो वाता जो है साइनस और क्रोनिक डिजीज जो इस तरह के होते हैं, एस्थमेटिक वाला जो चीज होता है या वाता से रिलेटेड जो होते हैं, उस चीज को ये डिनोट करता है। तो चूंकि इस साल इस दोनों की है मतलब एनर्जी ज्यादा है इस साल में, तो अगर कोई बंदा इस चीज से सफर कर रहा है तो उस चीज में वो इनहांसमेंट। मैंने लाइफ पाथ नंबर 1 से 9 के लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप आई आइकन पे जाकर के देख सकते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा होगा अपने लाइफ पाथ नंबर के अनुसार। इवन तो मैं लाइफ पाथ नंबर कह रहा हूँ, ये बर्थडे के लिए भी वर्क होगा, बट लाइफ पाथ नंबर के लिए कुछ ज्यादा ही वर्क होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हम लोगों के लिए इसमें से क्या है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका ये साल कैसा होगा न्यूमरोलॉजी के अनुसार, और आपके नंबर्स क्या क्या हैं, और उस नंबर्स का क्या मतलब है, और ये कॉम्बिनेशन कैसे रिजल्ट करते हैं, तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ले सकते हैं। $499 के हैं, तो आप उसमें मैं 5 ईयर्स का एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। डिस्प्ले हो रहा होगा, आप ऑर्डर कीजिए, या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, तो आपको रिपोर्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में लाइफ पाथ नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर अगले वीडियो में लाइफ पाथ नंबर 2, 3 ऐसे करके मैं सारा चीज करूंगा। तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, बर्थडे नंबर 1 वालों के लिए भी ये हो सकता है, लेकिन लाइफ पाथ 1 को डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो 1
जो नंबर है वो पावर है, अथॉरिटी है, इनिशिएटिव लेने का चीज है, न्यू आइडियाज न्यू बिगिनिंग पे है। और ये साल जो है जहाँ पे 8 और 6 की एनर्जी प्रोमिनेंट है, तो पावर, अथॉरिटी और रिकॉग्निशन, ये चीज आपके लाइफ में प्रोमिनेंट होगा। आपको डेफिनेटली इस एरिया में आपको सक्सेस मिलेगा। आप कुछ नया इनिशिएटिव लेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा। तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो ये साल कुछ नया करने के लिए, पर्टिकुलरली करियर में, बहुत अच्छा समय है। आपका पावर, अथॉरिटी, इस चीज में डेफिनेटली इनहांसमेंट होगा और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है लाइफ पाथ नंबर 1 वालों के लिए जो है रिलेशनशिप वाइज अगर मैं देखूं तो पिता से, पर्टिकुलरली फादर से जो है रिलेशनशिप हो सकता है थोड़ा ड्राइनेस आए, खराब नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हो सकता है थॉट प्रोसेस अपोजिट हो और रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सेम चीज बॉस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो पावर, अथॉरिटी और अंदर में जो ईगो है शायद वो बूस्टअप हो और आप शायद अपने आप को एक समझें कि आई एम अ किंग, तो इस चीज के कारण हो सकता है बॉस आपको उतना पसंद ना आए। तो फिर भी कंट्रोल करना है, बॉस एंड ऑफ द डे बॉस ही होता है, उससे पंगा नहीं लेने का। तो आप अपने आप को उस एरिया में ख्याल रखिएगा। इनफैक्ट पिता से रिलेशन में भी अपने आप पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि फादर जो है एक जीवन में एक ऐसा चीज है जिसको कि आप नहीं बता सकते कि वो क्या है। तो अगर उनके साथ है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेने में कोई खराबी नहीं है और उनको इज्जत देने से आपके लाइफ में ग्रोथ ही होगा। समझ लीजिए ये कर्मा है जहाँ पे आपको उनके थ्रू इस साल प्रॉब्लम हो सकता है या उनके विचारों से आप सहमत ना हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप उस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल लेते हैं, तो उनका ब्लेसिंग्स ही लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि माँ, बाप और गुरु, ये 3 ऐसे हैं जो आपके लाइफ में हमेशा चाहते हैं कि आपको अच्छा मिले, आपको सक्सेस मिले। उनके आपके सक्सेस से यही 3 लोग हैं जो जेन्युइनली खुश होते हैं, जिनको कि भले वो आपसे जैसा भी बात करते हो लेकिन अंदर में वो हमेशा चाहते हैं कि आप ग्रो करें, वो कभी आपका निगेटिव नहीं चाहते और आपके ग्रोथ से हमेशा खुश ही होते हैं। तो कुल मिलाकर ये साल जो है आपके लिए रिलेशनशिप वाइज जो है थोड़ा सा घर पे हो सकता है कि रिलेशनशिप में पिता से थोड़ा सा ये हो, और जहाँ पे फैमिली लाइफ का बात है तो ईगो वाला पार्ट चूंकि बूस्टअप रहेगा ज्यादा, तो परिवार में लव लविंग वाला जो पार्ट है वहां पे भी अपने ईगो को कंट्रोल करें, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो अगर आप वाता रिलेटेड डिजीज से परेशान है, क्योंकि 6 और 8 में जो है, 8 में वाता रिलेटेड डिजीज है, 6 में कफा, तो और प्लैनेट्स क्या है मुझे नहीं पता, केवल लाइफ पाथ नंबर के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप में वाता कफा वाला कोई इशू है तो इस साल वो चीज जो है इनहांस होगा, तो आप उस चीज का ख्याल रखिए। बट अदरवाइज ये साल जो है अच्छा है, डिलीवर करने वाला है, रिजल्ट डिलीवर करने वाला साल है, तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर आप रेमेडियल चीज चाहते हैं तो ये साल जो है आप पर्टिकुलरली सूर्य देव की पूजा कीजिए तो आपके लिए सूट करेगा, क्योंकि ये नंबर 6 और 8 उस चीज को अचीव करने में आपके सक्सेस देंगे। तो रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना या फिर उगते हुए सूरज को प्रणाम करना और उनके सामने ब्लेसिंग्स जो है मांगना उनसे, ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए 2024 कैसा होने वाला है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, 200 क्रेडिट का कोर्स भी फ्री है वहाँ पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आकर, इसके अलावा अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है और ये 7 डेज का फ्री ट्रायल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अगर आपको और कोई कंसल्टिंग कराना है या क्वेश्चंस हैं या कुछ भी एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना है या कुछ भी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहां पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।